व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी स्केयर रूट ऑफ 1.21। ये एक नंबर है 1.21, इसका स्केयर रूट फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल है तो डेसिमल ख़त्म करेंगे। देखें 1.21 है, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। इसका रूल ये होता है कि पॉइंट हमने ख़त्म कर दें तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट की जगह पर 1, उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने इसके साथ जीरोज़ लिख देते हैं। अब 121 ऊपर इसी तरह लिखा, पॉइंट की जगह पे 1, 1 के बाद पॉइंट की जगह बाद 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स मींस 2 जीरो ऐड कर दिए। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाता। तो अब हमने फाइंड करना है इसका स्केयर रूट, तो 121 का स्केयर रूट ले लेंगे और 100 का स्केयर रूट ले लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 11 मल्टीप्लाई 11 करें तो 121 आता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, तो डायरेक्टली लिख लें। अदरवाइज इसका मेथड ये होता है कि अब 121 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 121 के हम इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे। अब 121 सिर्फ 11 के टेबल में ही जा सकता है, 11 जार 121 और 11 वन जार 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसी तरह अब बनाएंगे हम 100 के प्राइम फैक्टर्स, तो 100 को लिख लेंगे इस तरह। अब 100 लास्ट डिजिट 0 है तो 2 के टेबल में हम इसको कर सकते हैं, 2 फाइव जार 10 और 0। इसी तरह इसको करेंगे तो 2 जार 4 और 2 फाइव जार 10। अब 25 किसी और टेबल में नहीं जाता, जस्ट 5 में ही आता है, 5 फाइव जार 25 और 5 वन जार 5। ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स, तो अब इन प्राइम फैक्टर्स को इसकी जगह लिखेंगे। अब 121 की जगह लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11। इसी तरह 100 की जगह हम लिखेंगे, 100 के जो फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 100 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 11, 2 टाइम है तो 11 का स्केयर। इसी तरह अगर यहाँ पे इसको लिखें तो 2 टाइम है 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर। और आपको पता है कि स्केयर रूट से ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होते हैं, तो यहाँ पे रह गया 11 और 5 टू जार 10। अब यहाँ पे इसका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में क्वेश्चन था, तो आंसर फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, 1.21 था। अदरवाइज तो यहाँ तक आंसर ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही निकालते हैं। 11 को अंदर रखेंगे, 10 से डिवाइड करें तो 11 छोटा है 10 से, 10 वन जार 10, माइनस करें 1। अब 10 बड़ा है 1 छोटा है, ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और 10 वन जार 10, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.1, क्योंकि यहाँ पे ये कम्प्लीटली सोल्व हो गया, लास्ट पे 0 आता है, 0 लिखने या क्रॉस का साइन मतलब ख़त्म हो गया, 1.1 इसका आंसर होगा। तो प्राइम फैक्टर्स के रूट हमने फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका स्केयर रूट आया 1.1।